अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है मैंने ये इनविजिबल मेकअप लुक जो है मैंने किया है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये सन ब्लॉक है स्पेक्ट्रम मैक्स का, इसे जो है मैं अपने फुल फेस के ऊपर जो है मैं लगाऊंगी। थोड़ा सा लेकर जो है मैं इसको अपने फुल फेस के ऊपर जो है अच्छे से लगाऊंगी। अब मैं ये उचास का ये कंसीलर करेक्टर है, इसका शेड है 03। इसे जो है मैं बिल्कुल जहाँ मेरे फेस में मुझे निशान दिख रहे हैं ना, बस उसी उसी जगह पे जो है मैं इसको लगाऊंगी। एक्स्ट्रा जो है मैं इसको नहीं लगाऊंगी फेस पे, ठीक है। जहाँ मुझे इसकी नीड है वहीं वहीं जो है मैं इसको लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और इसे जो है मैं ब्लेंड करूंगी। ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, बस जहाँ मुझे हल्का हल्का निशान दिख रहे हैं वहाँ वहाँ जो है मैंने इसको बस लगाया है, ठीक है। अब मैं ये हाइलाइटर है, ये ग्लैम का है ये हाइलाइटर, इसे जो है मैं बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी और इसे भी जो है मैं हाथ से ही जो है मैं इसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है। अब मैं ये मिस रोज़ का फाउंडेशन है, ये बेज 2 नंबर, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैंने इसको लिया है इतना, सही है। और इसे ही जो है मैं अब लगाऊंगी, बिल्कुल लाइट सा। और सेम ब्लेंडर से जो है मैं इसको ब्लेंड करूंगी। अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड की जो है ये कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग किट है, स्टिक है, इससे जो है मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा ना होने के बराबर के दिखे नहीं, बहुत लाइट सा जो है मैं इसको कॉन्टोर करूँगी। और इसे सेम ब्लेंडर से जो है मैं ब्लेंड करूँगी। बस इतना जो है मैं कंटूर करूँगी इसको, ठीक है। ये हाइलाइटर वाली साइड लेकर जो है मैं बिल्कुल पतली सी लाइन यूं ड्रॉ करूँगी। और इसे भी जो है मैं सेम ब्लेंडर से जो है मैं इसको इस तरह से ब्लेंड करूँगी। ताकि जो हाइलाइटर वाला एरिया है ये हमारा लाइट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए जो कॉन्टोर वाला एरिया है वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, और जहाँ पे ये हाइलाइटिंग शेड लगाया है ये देखें, ये थोड़ा सा लाइट हो गया। अब इस पुली को जो है मैंने गीला किया है, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैंने ब्राउन पाउडर आई शेडो लिया है, और उसे जो है मैं इस तरह से जो है बिल्कुल कि जो भी हमारा सन ब्लॉक या कुछ भी जो हमने भी फाउंडेशन लगाया है वो हमारी आईब्रोज पे लगा है, वो इससे जो है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये नोट की जो है ना ये आईब्रो पेंसिल, इससे जो है मैंने बिल्कुल लाइट सा जो है मैंने इसको अपनी आईब्रोज को जो है मैंने फिल कर रही हूँ।
बिल्कुल लाइट लाइट सा जो है मैंने फिल किया है, और इसके बैक साइड पर जो स्पूली है उससे मैं इसको सेट करूँगी। ठीक है, बिल्कुल नेचुरली जो है मैंने इसको फिल किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब मैं सेम वही स्टिक ले रही हूँ और इसमें जो हाइलाइटर साइट है इसकी, उससे जो है मैं इसको बिल्कुल लाइट सा जो है मैं इस तरह से आईब्रोज को नीट करूँगी। ठीक है, और सेम ब्लेंडर से जो है मैं इसको इस तरह से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, अब मैं ये कॉन्टोरिंग किट की ये जो कॉन्टोरिंग साइट है इससे जो है मैं अपनी आई को भी जो है मैं कॉन्टोर करूँगी, इस तरह से लगाऊंगी और सेम दूसरी आई को भी कॉन्टोर करूँगी, और साथ जो है मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश से जो है मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ठीक है, इस तरह से सेम दूसरी आई को भी इस तरह से जो है मैं पहले ब्लेंड करूंगी। ठीक है, अब मैं ये जो मेरी जिससे मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया था इसे जो है मैं बिल्कुल लाइट सा जो है मैं यहाँ पर इस तरह से एक लाइन जो है मैं ड्रॉ करूंगी। सेम यही काम दूसरी आई पे भी करूंगी। और सेम ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और उससे जो मैं इसको ब्लेंड करूंगी। अब मैं सेम यही पेंसिल जो है मैं आई के जो इधर हमारा एरिया है यहाँ पर जो है मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि मैं कोई आईलैशेस नहीं लगाऊंगी, तो आज मैं इसे जो है यहाँ पर यार देखिए दोनों आई में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसमें जब मैंने अपर जो हमारा वाटर लाइन पे मैंने जब इसको लैश लाइन के पास पास जो मैंने इस ब्राउन आईब्रो पेंसिल को लगाया है, तो अब आप देखें मेरी लैशेज जो हैं वो थिक लग रही हैं। ठीक है, इसके और इस लैश में आपको फ़र्क दिख रहा है। ठीक है, अब सेम यही मैं दूसरी आई पे भी लगाऊंगी, इस तरह से मस्कारा लगाऊंगी। अच्छा, मस्कारा के जो है ना मैं 2 से 3 कोट जो है मैं करूँगी, ताकि जो है वो लैशेज हमारी थोड़ी सी अच्छी जो है वो दिखें और थिक थिक जो है वो लगें। ठीक है, क्योंकि हम लैशेस तो नहीं लगाएंगे, फॉल्स लैशेस, तो इसीलिए हम मस्कारा का जो है ना 2 से 3 कोट जो है मैं करूँगी। ठीक है, अब सेम यही दूसरी आई पे भी। अब मैं न्यूड शेड की पेंसिल लेकर जो है मैंने अपनी आई के अंदर जो है मैं लगाऊंगी। मैं ये एसेंस का मेक मी ब्रो जो मस्कारा है इसे जो है मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी। अब मैं ये ब्राउन शेड है ये भी ग्लैम की ही लिपस्टिक है, जो मैंने ये बिल्कुल लाइट सा ब्राउन सा शेड जो मैं अपने लिप से लगाऊंगी।
और सेम यही जो है लिपस्टिक में अपने चीक्स पे भी जो है बिल्कुल आप कोई बेबी पिंक सा भी शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल लाइट सा स्किनी ब्राउन सा जो है मैंने शेड लिया है। सेम ब्लेंडर से जो है मैं इसको अब मैं ये हाइलाइटर लेके बिल्कुल लाइट सा जो है मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। बस इतना ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अब मैं लूज़ पाउडर से जो है मैं ये बिल्कुल लाइट सा जो है मैं हल्का हल्का जो है मैं सेट करूंगी इसे। जी तो ये है मेरा फाइनल लुक। लगाया तो मैंने बहुत कुछ है लेकिन इसका नाम जो है मैंने इनविजिबल मेकअप लुक रखा है। आप इसे नो मेकअप लुक भी कह सकते हैं, इसे क्लीन मेकअप भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।